हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो फ्यूचर रिटेल के मोस्ट ऑफ द शेयर्स में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाई दी है। थोड़ा प्रेशर में था क्योंकि सेबी ने जो मांगा है बीएससी से कि उन्होंने अप्रूवल कैसे दिया, थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट था। तो एक सिर्फ एफआरएल थोड़ा प्रेशर में था, बाकी सब शेयर पॉजिटिव में गए हैं आज फ्यूचर ग्रुप के। सिर्फ एफआरएल के शेयर में भी इन द डे इट वॉज इन पॉजिटिव, बट आखिर में आते आते वो नेगेटिव में चला गया थोड़ा सा। पर वो प्रेशर बनना ही था क्योंकि सेबी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं एनएससी से और बीएससी से उसके रिगार्डिंग, तो हम देख पा रहे हैं कि फ्यूचर रिटेल बंद हुआ है 76.8 पे, जो कि कल के रेट से 0.4 कम है। और जो फ्यूचर कंज्यूमर है वो 8.6 पे हुआ है, जो कल के रेट से 0.1% ज़्यादा है। तो जो एक शेयर जो नीचे गया है वो है फ्यूचर रिटेल, वो भी एंड में आप देख पा रहे हैं कि फ्यूचर सप्लाई चेन जो है वो गया है 104.1 पे, जो कि पॉजिटिव में है। और जो फ्यूचर लाइफस्टाइल है वो भी गया है पॉजिटिव में 87.8 पे। तो सारे शेयर एक बार तो बहुत ऊपर गए थे, पर प्रेशर तो बनना ही था। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रेशर की वजह से थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा कल, जो कि दिखा है आज शेयर में। तो फ्यूचर हमें जो मेन शेयर हमारा है वो है फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड, जो कि आज अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। उसने 4% बढ़ा है, 11.6 पे बंद हुआ है। तो यही शेयर हमें कन्वर्जन के बाद मिलने वाला है, तो इस पे ही नज़र बनाए रखनी है हमें। तो हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि आज का जो वैल्यूज़ हैं शेयर्स की, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना डिफरेंस मिल रहा है। जो फ्यूचर रिटेल का 10 शेयर्स का प्राइस आज है वो है 786 के अराउंड, और जो 101 शेयर्स एफईएल के हमें मिलेंगे उसका प्राइस होगा 1171। तो डिफरेंस अभी भी 385 रुपये का है, तो और भी बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से फ्यूचर रिटेल को। और जो दूसरा है वो है फ्यूचर लाइफस्टाइल, जिसका करंट प्राइस है 10 शेयर्स का 878, और जो एफईएल के जो प्राइस है वो होगा 1310 के अराउंड। जो डिफरेंस है वो अराउंड है 432 रुपीज़ का। अब देखते हैं हम फ्यूचर सप्लाई चेन का। जो फ्यूचर सप्लाई चेन के 10 शेयर्स का प्राइस है वो है 1041, 1041 रुपये। और जो 131 शेयर्स हैं फील के, जो इसके बदले मिलने वाले हैं, उसका प्राइस है 1519। तो डिफरेंस अभी भी 478 रुपीज़ है। तो ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए इन सब शेयर्स में, और दिसंबर विल बी ए गुड मंथ फॉर ऑल ऑफ दीज शेयर्स, क्योंकि सेबी का अप्रूवल भी होना ही है। क्योंकि अगर ये अप्रूवल्स नहीं हो पाते हैं, डील नहीं हो पाती है, तो जो बिग बाजार है फ्यूचर ग्रुप के जितने शेयर्स हैं, मतलब जितनी भी कंपनीज हैं, सबके एम्प्लॉयज़ की जॉब लॉसेज होगी। वो मुझे लगता नहीं है वो हैपन होगी। तो मोस्ट प्रोबली गुड न्यूज़ आएगी और शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे मेरे ओपिनियन में। तो गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल, ऑन योर चैनल। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ऑन योर चैनल। थैंक यू।